हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, सिक्किम्स फॉलन डैम हॉन्ट्स इंडियाज ड्रीम इन भूटान। तो उससे पहले हमें देखना होगा, ये आर्टिकल देखने से पहले, सिक्किम भूटान और इंडिया क्या लोकेशन है। सिक्किम इंडियन स्टेट ही है, एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा इंडिया, ये हम लोग देख रहे हैं इंडिया है। अब इसके नॉर्थ की तरफ जाएंगे हम लोग, देखिए ये सिक्किम है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये यूपी आ जा रहा है, ये बिहार आ जा रहा है, ये नीचे से वेस्ट बंगाल आ रहा है आपका। यहाँ पर आपका, आप देखिए सिक्किम है, और सिक्किम के ईस्ट में आपका भूटान है। आप देखिए, मैं आपको अगर मैप बताऊँ, लोकेशन बाउंड्रीज, तो ये एक भूटान का हो जा रहा है। ये ऊपर में आप देखिए, ये हमारा सिक्किम चल रहा है, ठीक है। ये इंडियन बॉर्डर है, और सिक्किम का बॉर्डर आप देखिए ये है, ठीक है। ये हमारा सिक्किम हो गया, और ये आप देख रहे हैं, ये नीचे में वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जा रहा है, और ये फिर इंडियन बॉर्डर है। ये सिक्किम है अपना, ठीक है। ये आपका भूटान आ गया यहाँ पे सिक्किम के ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए नेपाल आ गया सिक्किम के वेस्ट में। सिक्किम के साउथ में आप देखिए, यह है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये बॉर्डर आपका यहाँ पे बांग्लादेश स्टार्ट हो जा रहा है, ये आपका बांग्लादेश है। यहाँ पे ये आसाम है अपना, तो आप देखिए यहाँ पे अपना मैप ऐसे थोड़ा सा अपना मैप हो जा रहा है। और ये आपका बिहार, और बिहार के फिर उधर में यूपी, बिहार के नीचे में आपका झारखंड। तो ये रहा मैप, मतलब सिक्किम से नीचे में क्या बिहार और सिक्किम की बाउंड्री शेयर हो रही है? नहीं। तो मतलब सिक्किम ऐसा स्टेट है जिसकी एक ही इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर होती है, और वो है आपका वेस्ट बंगाल, और किसी से ये नहीं करता। और ये दो फॉर तीन, एक तरीके से हम लोग देखें तो तीन फॉरेन कंट्रीज से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, नेपाल वेस्ट में, ईस्ट में भूटान, और आपके नॉर्थ में तिब्बत। तो ये अपना थ्री फॉरेन लैंड से बाउंड्री शेयर करता है, और वन इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। ये आपका सिक्किम की लोकेशन ये है, और उसके ईस्ट में भूटान। तो इन दोनों की बात हम लोग कर रहे थे इस आर्टिकल में। सिक्किम्स फॉलन डैम हॉन्ट्स इंडियाज ड्रीम इन भूटान। द चुंगटांग डैम ऑफ सिक्किम्स ऊर्जाज 1200 मेगावाट टीस्टा थ्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द टीस्टा रिवर गेव आउट ऑन अक्टूबर 4, लीडिंग टू द डेथ ऑफ द एटलीस्ट 94 पीपल इन द डाउन स्ट्रीम एरिया ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो आप देखिए, डाउन स्ट्रीम एरिया ऑफ सिक्किम यहाँ पे वेस्ट बंगाल, क्योंकि नीचे में, तो यहाँ पे चीज़ें जो खराब होंगी, पानी नीचे ही आपका फ्लो करेगा। अब आपको ये चीज़ सेंस बना रही होगी, यहाँ पे क्या लिखा है, वेस्ट बंगाल कहाँ से आ गया सिक्किम के बगल में। द डिवास्टेशन हैज रिफ्रेश्ड वरीज ओवर टू ऑफ द थ्री इंडियन असिस्टेड अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन भूटान। तो भूटान में जैसे हम लोग देखे सिक्किम के ईस्ट में, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और उसके लिए ये वरी हो जाते हैं, वरी का इशू बन जाते हैं। दी 1200 मेगावाट पुनात चंगू, अब आप देख लो इसका क्या है, स्टेज वन पुना वन, एंड दी 1020 मेगावाट पुना संगचू स्टेज टू, ये पुना टू है, ये मतलब इसका नाम आप देखो, पुना टू पुना वन। दीज प्रोजेक्ट्स एंड द 660 मेगावाट कोलोंगचू आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट रुपीज 21,637 करोड़, फंडेड बाय इंडिया। तो ये पैसा इंडिया दे रहा है उसको बनाने के लिए, बेनिफिटिंग नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स। तो उससे आप देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे भूटान है, भूटान के आप लोग, हम लोग अगर देखेंगे इधर में, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए अब ये थोड़ा आप लोगों को बड़ा पिक्चर दिखेगा, ये रहा आपका सिक्किम, यहाँ पे ये बात हो रही है सिक्किम की, सिक्किम इतना है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऐसे वेस्ट बंगाल नीचे में आ रहा है। ये आपका हो गया बिहार, तो यहाँ पे बिहार, ये वेस्ट बंगाल है, ये असम है,
और भूटान और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यहाँ पे भूटान में जो इलेक्ट्रिकल हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग बना रहे हैं उससे हेल्प होगी, और ये आपका सिक्किम। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, किसको बेनिफिट करेगा? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स। तो यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स में आप देखिए सिक्किम आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, और ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखिए अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया, और ये नीचे में बांग्लादेश है आपका। डाउट्स वर रेज्ड इन फेब्रुअरी व्हेन दी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए अपलोडेड अ नोट ऑन द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड परसूड अंडर अ 2006 एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर साइन बिटवीन द टू कंट्रीज। द स्टेटस वॉज अपडेटेड इन ऑगस्ट विथ हार्डली एनी चेंजेस। द सीईए नोट ऑन पूना वन, ये वाला पूना वन जिसका 1200 मेगावाट का इसका कैपेसिटी है, स्टार्टेड इन 2008 एंड एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इन 2024-25। सेड प्रोजेक्ट कमीशनिंग इज बीइंग डिलेड ड्यू टू मूवमेंट सबसिस्टेंस ऑफ द राइट बैंक हिल मासेस इन द डैम एरिया, ट्रीटमेंट स्टेबिलाईजेशन ऑफ द राइट बैंक एंड द कम्प्लीशन ऑफ डैम वर्क अंडर प्रोसेस। द ऑप्शन ऑफ प्रोवाइडिंग अ बारिंज इन द अपस्ट्रीम एंड अबेंडनिंग ऑफ द डैम इज बींग स्टडीड। तो यहाँ पे इसके ऊपर स्टडी चल रही है, कमीशन इसको होना है 2024 में 25 में, 2008 से इसके ऊपर काम चल रहा है। ऑन द पूना टू टारगेटेड फॉर कमीशनिंग इन 2023-24। अब पूना वन आपका कब होना था? 2024-25 में। पूना टू कब होना है? 2023-24 में। द नोट सेड पुअर जियोलॉजिकल स्ट्रेटा एंड द शियर जोन बींग इनकाउंटर्ड एट लेफ्ट बैंक ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द डैम एंड HRT हेडरेस्ट टनल ऑफ द टनल कनेक्टिंग वाटर इनटेक एट डैम साइट इन टू द पावर हाउस फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिमीडियल मेजर्स आर अंडर प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द सीईए। द HRT क्या है आपका? देखिए हेड रेस टनल फॉर पूना वन वॉज कम्प्लीटेड इन जून 15, 2015, वाइल 99.53% ऑफ द डैम एक्सकवेशन एंड 98% ऑफ द अंडरग्राउंड पावर हाउस हैज बिन कम्प्लीटेड। इन द केस ऑफ पूना टू 99.73% ऑफ HRT एंड 97.49% ऑफ द कॉन्क्रीट डैम हैज बिन कम्प्लीटेड। तो आप देखिए कितने ज़्यादा इन लोग का कम्प्लीशन हो गया, क्योंकि इनका कमीशन पीरियड पास आ गया, 97, 98, 99% ये सारा इन लोगों का काम इतना हो गया है। एंड असम बेस्ड हाइड्रोलॉजिस्ट अंडर कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड दैट द रीथिंक ऑन द टू पूना प्रोजेक्ट्स इज लाइकली टू इंटेल एन एक्सपेंसिव डिजाइन चेंज पुशिंग द डैम रिफ्लेक्ट्स द फेलियर ऑफ द सेवरल इंडियन एजेंसीज इन कॉम्प्रिहेंसिवली असेसिंग द फ्रेजाइल हिमालयन जियोलॉजी। तो यहाँ पे हिमालयन जियोलॉजी की बात हो रही है। सिमिलर टू सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश फ्लैंकिंग भूटान, दीज एजेंसीज आर द सेंट्रल वाटर कमीशन, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द वेपकॉस, अपार्ट फ्रॉम द सीईए, अर्लियर नोन एज द वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया लिमिटेड। वेपकॉस ये आपका वेपकॉस का है, WAPCOS, तो वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये है आपका वेपकॉस, इज अ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है। यहाँ पे पुनात शंक्चू हैज बीन द स्टोरी ऑफ डिजास्टर विथ इंटरनेशनल लैंडस्लाइड एक्सपर्ट्स लाइक देव पेटले हैविंग पॉइंटेड आउट दैट द ब्लंडर टू स्टार्ट अ डैम एट द लोकेशन दैट सीम्स टू बी ऑन द डेब्रिस ऑफ पास्ट लैंडस्लाइड्स एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एनेक्स एंड वाटर एक्सपर्ट हिमांशु ठक्कर सेड। तो इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ये चीज़ सही तो नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड नो फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन द भूटान प्रोजेक्ट बट द एक्सपर्ट्स आर स्टडिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आर बीइंग रिव्यूड बाय एक्सपर्ट फॉर द डैम ऑप्शन एन ऑफिशियल सेड। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहले सबसे पहले पूना वन और पूना टू हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है ये? भूटान में है, ठीक है। कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। कितने पैसे से? अप्रोक्सीमेटली 24,000 करोड़ रुपीज से।
यहाँ पे रुपीस है, ये हो गया। और देखिए, और एक आपका आ जाता है 21,500 है, ठीक है। ये 1200 का है, ये 1020 का है। इसका आपका कैपेसिटी है 1200 मेगावाट, और इसका आपका कैपेसिटी है 1020 मेगावाट। ये 21,600 करोड़ रुपीस का इसमें है। यहाँ पे एक हमारे लिए एक नया वेपकॉस वर्ड आया है। वेपकॉस कौन सी अथॉरिटी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है वाटर एंड पावर। सीईओ आपका है कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, और हिमालयन जियोलॉजी इज फ्रेजाइल, एक ये पॉइंट हमें दिमाग में हमेशा रखना है कि उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी हमें नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।